झनक ने ठुकराया अनिरुद्ध का प्यार, क्या अनिरुद्ध का हाथ लगेगी सिर्फ निराशा। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर हमारा खास शो, जो आपको एंटरटेनमेंट की खबरों से गुदगुदाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आज हम बात करेंगे स्टार प्लस के शो झनक के बारे में। झनक में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न्स दर्शकों को चौंका रहे हैं। हाल ही में ये जानकारी सामने आई कि झनक, जो पहले अनिरुद्ध के साथ रहने की योजना बना रही थी, अब कोलकाता वापस जाने का निर्णय लेगी। शो में झनक और अनिरुद्ध के बीच का रिश्ता काफ़ी जटिल होगा। झनक की तबीयत ठीक होने के बाद सभी को उम्मीद थी कि वो अनिरुद्ध के साथ खुशी खुशी जीवन बिताएगी। हालांकि कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। झनक ने अनिरुद्ध को बेइज्जती करते हुए उसे मुंबई छोड़ने का फैसला किया, जिससे दर्शकों में उत्सुकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अनिरुद्ध, जो झनक के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, अब कोलकाता वापस जाने की तैयारी कर रहा है। इस निर्णय में न केवल झनक बल्कि अन्य पात्रों को भी प्रभावित किया। शो में ये दिखाया गया कि अनिरुद्ध झनक से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन झनक अभी तक अपने भावनाओं को स्पष्ट नहीं कर पाए। इस नए विकास पर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं मिश्रित आईं। कुछ दर्शकों का मानना है कि ये कहानी में एक नया आयाम जोड़ देगा, जबकि अन्य इसे निराशाजनक मानते हैं। सोशल मीडिया पर कई प्रशंसकों ने अपनी राय साझा की, जिसमें कुछ लोगों ने झनक के निर्णय को सही ठहराया और कुछ ने इसे गलत भी बताया। आने वाले एपिसोड में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या झनक इस फैसले को कायम रखेंगी या फिर वो अनिरुद्ध के पास लौटने का निर्णय लेंगी। ये भी स्पष्ट नहीं है कि अनिरुद्ध कोलकाता जाकर अपने जीवन का कैसे आगे बढ़ाएंगे और क्या वो फिर से झनक को अपने जीवन में लाने की कोशिश करेगा या फिर वो अपने नए जीवन में आगे बढ़ जाएगा। इन सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलने की बहुत उम्मीद है। इस तरीके से झनक एक शो बन गया है, जो लगातार नए मोड़ों और भावनात्मक उतार चढ़ावों के साथ दर्शकों का ध्यान खींचता रहता है। कहानी के इस नए मोड़ में शो की लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया है, जिससे दर्शक आगामी घटनाओं के लिए और ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।